हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेक स्टूडियो का जो लेटेक्स एडिटर है, उस लेटेक्स एडिटर के बारे में हम थोड़ा सा फैमिलियर हो लेते जाते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने बताया था कि आपको मिकटेक्स, टेक्स लाइव और टेक स्टूडियो किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और उस समय मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था कि लेटेक्स एडिटर में जो बहुत लंबी लिस्ट थी उसमें से आपको टेक्स स्टूडियो मैंने रिकमेंड किया था। तो होप आप लोगों ने टेक्स स्टूडियो के साथ कोई एक लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूशन आइदर मिकटेक्स या टेक्स लाइव आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। एक बार आपने टेक्स स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में अगर आते हैं तो यहाँ पे टेक स्टूडियो है। तो इस टेक स्टूडियो के ऊपर क्लिक करके आप इस टेक स्टूडियो को शुरू कर सकते हैं। तो जब आप टेक स्टूडियो को पहले बार शुरू करेंगे उस समय में आपका इस तरह से एप्लीकेशन या इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अलग अलग मेन्यूज़ बने हुए हैं। कुछ मेन्यूज़ आप लोगों को फैमिलियर होगा, जैसे कि फाइल मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं नई फाइल क्रिएट करना है तो न्यू पे क्रिएट करना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्रिएट, अगर न्यू फाइल पे क्रिएट करता है तो आप देख सकते हैं एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स ऑलरेडी है, आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास के लिए, बीमर के लिए, बुक डॉक्यूमेंट क्लास के लिए, लेटर के लिए कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इन टेम्पलेट्स का यूज़ किस तरह से करेंगे ये हम बाद की वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर आप टेम्पलेट का यूज़ करते हो तो आप कमांड्स नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये टेम्पलेट का यूज़ करना नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ यूज़र खुद का एक टेम्पलेट बना के उसको बाद में यूज़ कर सकता है। बार बार टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास या बुक डॉक्यूमेंट क्लास या लेटर के लिए कोई अगर आप टेम्पलेट बनाते हो आपके कंपनी के हिसाब से, आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से या आपके वर्क के हिसाब से, तो एक बार अगर आपने टेम्पलेट बना लिया तो उस टेम्पलेट को आप यूज़ करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये टेम्पलेट यूज़ करना आप लोगों को नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में ओपन, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ओपन है। ओपन रिसेंट अगर करते हैं तो जो आपने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं फाइल्स या लेटेक्स डॉक्यूमेंट उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेशन, ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सेव, सेव एज, सेव ऑल। फिर नया टेम्पलेट अगर बनाने के लिए मेक टेम्पलेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ऑप्शंस रहते हैं बाकी किसी भी एप्लीकेशन में उसी तरह से है। एडिट ऑप्शंस में भी अगर आप देखते हो तो सिंपल ऑप्शंस है हमारे पास, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ऑपरेशंस वगैरह है, डिलीट लाइन, इस तरह से बेसिक ऑपरेशंस है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी इन ऑप्शंस की या इस सब मेन्यूज की हम यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पे आईडी फिक्स करके दिया हुआ है तो आईडी फिक्स में भी अगर आप देखते हो कि कुछ ऑप्शंस हमारे पास है तो फिलहाल इन ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे टूल्स ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड एंड व्यू एंड कंपाइल, ये हर डॉक्यूमेंट में आपको काम में आएगा। ये सेम ऑप्शंस, तो बिल्ड एंड व्यू के लिए शॉर्टकट अवेलेबल है F5, कंपाइल के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है F6। जब आप कोई भी लेटेक्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसको कंपाइल करना है कि उस डॉक्यूमेंट में कोई सिंटैक्स एरर वगैरह है क्या। अगर कोई एरर अगर होगा तो आपका डॉक्यूमेंट कंपाइल नहीं होगा। तो इसलिए कंपाइल और बिल्ड एंड व्यू और इसका बटन यहाँ पे टूल्स और यहाँ पे जाने के बजाय ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट ये दो बटन दिया हुआ है, दिस इज कंपाइल एंड दिस इज नथिंग बट योर बिल्ड एंड व्यू। उसी तरह से अगर आप टूल्स में जाते हो तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, ग्लोसरी, इंडेक्स, ये क्या है, ये सब हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे हमारे कोर्स में तो इन सभी का आपको काम में आएगा। यहाँ पे और एक कमांड काम है, यहाँ पे कमांड्स करके है। तो यहाँ पे आपको लेटेक्स, PDF लेटेक्स, जी लेटेक्स, डुआ लेटेक्स, लाइक दिस, ठीक है, बिबटेक्स, इनका भी काम आने वाला है। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्लीन ऑक्सिलरी का, कुछ ऑक्सिलरी फाइल्स हमारी क्रिएट हो जाती है जब हम लेटेक्स डॉक्यूमेंट बिल्ड करते हैं, तब कुछ ऑक्सिलरी फाइल क्रिएट होती है तो उनको क्लीन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेटेक्स में अगर जाओगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि टेक्स स्टूडियो को मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था,
रिकमेंड किया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको ही यूज करो। यूज क्यों करना है, इसके ही इक्विवेलेंट एक टेक्स्ट मेकर लेटेक्स एडिटर है। टेक्स्ट मेकर लेटेक्स एडिटर भी अच्छा है, लेकिन टेक्स्ट स्टूडियो टेक्स्ट मेकर्स का एडवांस्ड वर्जन है, इसलिए मैंने आप लोगों को टेक्स्ट स्टूडियो रिकमेंड किया था। और रिकमेंड इसलिए किया था कि जो भी हम कमांड्स यूज करने वाले हैं लेटेक्स डॉक्यूमेंट में, ऑलरेडी वो कमांड्स रिलेटेड हमारे पास सब मेन्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट क्लास कमांड लिखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट क्लास वाला कमांड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा विथ सम ऑप्शंस। हमको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे कमांड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ऑथर अगर मुझे इंक्लूड करना है तो यहाँ पे जाके लेटेक्स में जाके मैं ऑथर के ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ तो ऑथर रिलेटेड कमांड यहाँ पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे लेटेक्स में अगर जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जो अलग अलग जगह पे हम इनको यूज़ किस तरह से करना है ये सब हम देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे कमांड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ऑप्शन यहीं पे दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो कमांड्स हैं ये कमांड्स आप लोगों को याद करने हैं। जैसे जैसे आप इस लेटेक्स डॉक्यूमेंट में काम करोगे ऑटोमेटिकली ये कमांड याद हो जाएंगे, और कमांड के नाम बहुत ही आसान है। सिर्फ कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन का करेक्ट नाम अगर आप लोगों को पता है तो आप इस कमांड्स के नाम आसानी से याद रख सकते हो। देन मैथ मेन्यू है, तो मैथमेटिक्स रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर आपको लिखना है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ये जो लेटेक्स है ये फेमस ही है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस टाइप करने के लिए। तो मैथमेटिक्स इक्वेशन टाइप करने के लिए अलग अलग यहाँ पे कमांड्स हैं, देन एनवायरमेंट्स हैं, ठीक है, और अलग अलग मैथ्स इक्वेशंस अगर आपको लिखना है, फंक्शंस लिखना है, मैथ्स की फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, कुछ सिंबल्स अगर आपको यूज करना है, तो ऐसे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कमांड्स अवेलेबल है मैथ मेन्यू बार के अंडर में। तो आप इससे जैसे जैसे कि स्क्वायर रूट अगर आपको लिखना है तो \sqrt ये अगर मैं कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कमांड आ जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस किस तरह से टाइप सेट करते हैं इसका कंप्लीट चैप्टर हमने सेपरेटली लिया हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ यहाँ पे मेन्यू बार को समझ लेना है ये मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। विजर्ड्स, विजर्ड्स का क्या काम है हमारे पास, जैसे कि मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ क्विकली, अगर कोई डॉक्यूमेंट मुझे प्रिपेयर करना है, बुक डॉक्यूमेंट क्लास या आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास या बीमर का प्रेजेंटेशन अगर मुझे बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे सभी कमांड्स वन बाय वन लिखने के बजाय आप डायरेक्टली विजर्ड में जा सकते हैं। क्विक स्टार्ट अगर आप करते हो तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट क्लास आप बिल्ड कर सकते हैं, और सिंपली ये कुछ पैरामीटर सेट करके ओके अगर आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारे कमांड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा टाइप करने का काम जो है वो आपका टाइप करने का समय आपका बच जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे विजर्ड्स का यूज करो। आप देख सकते हैं विजर्ड में क्विक स्टार्ट है, प्रेजेंटेशन अगर बनाना है यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन का आपका स्ट्रक्चर किस तरह से रखना है, आपको फॉन्ट साइज क्या यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। और ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जल्दी से ये कमांड्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से हम टेम्पलेट था उसी तरह से हमारे पास विजर्ड्स है, तो इसमें बहुत सारा समय आप लोगों का बच जाता है और आप क्विकली डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाओगे। उसी तरह से क्विक लेटर है, क्विक लेटर अगर आपको बनाना है तो क्विक लेटर पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो इसका फॉर्मेट ये आ जाएगा, और इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो बेसिक रफ लेटर है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा, क्योंकि कोई भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए ये जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है ये बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ गया है। आपको आपका टेक्स्ट आपको एंट्री करना पड़ेगा और आप जल्दी से जल्दी लेटर भी टाइप से कर सकते हो। उसी तरह से इस विजर्ड के अंदर में ही, ठीक है, टेबल अगर आपको जल्दी से जल्दी बनाना है, क्विकली बनाना है, क्विक टेबुलर है, क्विक टैबिंग है, अगर आपको टैब्स देना है, अरेज आपको लिखना है तो क्विक अरेज है, इमेज अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इमेज आसानी से बहुत ही क्विकली आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जाके इमेज सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपका इमेज रहेगा उसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है, उसका नाम देना है, और ओके अगर करते हो तो ग्राफिक्स इंसर्शन रिलेटेड जो कोई भी कमांड्स है वो फास्टली इस डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखते हो कि यहाँ पे इंसर्ट ग्राफिक मैथ असिस्टेंट, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा इस मैथ असिस्टेंट का यूज़ किस तरह से करना है। अगर आपके पास कोई सिंबल नहीं है तो आप नया सिंबल क्रिएट कर सकते हो, या कुछ सिंबल के लिए अगर आपको कमांड याद नहीं है तो वो सिंबल आप मैन्युअली निकाल के उसका रिलेटेड कमांड कौन सा है ये भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में हमारे पास बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी यानी रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, बुक डॉक्यूमेंट बुक यूज़ कर रहे हैं, या बुक इन बुक यूज़ कर रहे हैं बुकलेट के लिए, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम रेफरेंसेस बनाएंगे तो उसको किस तरह से यूज़ करना है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैक्रोज में कुछ कमांड्स हैं, हम नया मैक्रोज बना सकते हैं। आपके काम आसान करने के लिए कुछ कमांड्स हम बना सकते हैं, ऑलरेडी हम कमांड्स कस्टमाइज करके हम नया कमांड बना सकते हैं जो कि हमारा काम आसान कर देगा। तो मैक्रोस को भी किस तरह से यूज़ करना है हम बाद में देखने वाले हैं। व्यू रिलेटेड ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस व्यूज रिलेटेड ऑप्शन में आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट्स, आपके कौन सा ओपन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड मेरा ओपन है, इसलिए ओपन डॉक्यूमेंट में अनटाइटल्ड दिखाया हुआ है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट्स, ये इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी शो में अगर आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो साइड पैनल और मैसेज और लॉक फाइल है यहाँ पे। ठीक है, और स्टेटस बार है, स्टेटस बार को ऑन रखना है, ऑफ रखना है, यहाँ पे दिया जाएगा। अभी आप देखते हो कि ये नीचे अगर आप आते हो दो विंडोज है, इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए साइड पैनल ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपका ये जो एरर्स वगैरह जो है कंपाइलेशन करते समय जो एरर्स वगैरह आते हैं वो आपके यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको ऑन करना है या ऑफ करना है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ऑन ऑफ हो जाएगा। ये साइड पैनल ऑन ऑफ करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यू में है ऑप्शंस, यानी शो में आएगा, और उसके बाद में एडिटर में जूम ऑप्शन अगर है, जूम करना है तो कंट्रोल प्लस पर शॉर्टकट भी यूज़ करना है, जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस यूज़ कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से फुल स्क्रीन अगर करना है तो फुल स्क्रीन कर सकते हो। ये जो बाकी नॉर्मल एप्लीकेशंस में जिस तरह से कमांड्स आते हैं उसी तरह से कमांड्स हैं, बहुत ज़्यादा कमांड्स ये आपको यूज में नहीं आने वाले हैं। ऑप्शंस में आपका एक कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टूडियो है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टूडियो का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इस टेक्स्ट स्टूडियो जो एनवायरनमेंट है हमारे पास, ठीक है, या एडिटर है, इसको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम देखेंगे, और कुछ हेल्प वाला मेन्यू है उसको भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये तो साइड बार है, साइड बार में अलग अलग ऑप्शंस है, उसका यूज़ किस तरह से करेंगे हम एक एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमको टेक्स्ट स्टूडियो का हाइलाइटिंग फीचर्स कौन कौन से हैं, हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट स्टूडियो, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपका बनाऊंगा और वहाँ पर बताऊँगा कि टेक्स्ट स्टूडियो हमको यूज़ क्यों करना है, इसका एडवांटेज क्या है बाकी लेटेक्स एडिटर्स के ऊपर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आप क्लोज कर सकते हैं। ये जो विंडो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेक्स डॉक्यूमेंट बनाना है, यहाँ पे कमांड्स देना है और आपके टेक्स्ट इंसर्ट करना है। आपके कमांड्स और टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स रहेंगे वो सारे कंटेंट्स आपको इस विंडो में लिखना है अलॉन्ग विद द फॉर्मेटिंग कमांड्स। फॉर्मेट करने के लिए जो कमांड्स है उसके साथ साथ, या पैकेजेस अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो वो सारा इस विंडो में आप काम करेंगे। ठीक है, इस विंडो के साइड में राइट हैंड साइड में आपका एक विंडो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट विंडो है, ये हमारे पास आउटपुट विंडो है। इस आउटपुट विंडो को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आप देखिए छोटा बड़ा, इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आप प्रॉपर व्यू पे आप लोगों को रखना है। लेटेक्स डॉक्यूमेंट को जब हम कंपाइल और बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो एक पीडीएफ कॉपी ओपन होती है, वो आप पीडीएफ आउटपुट मिलता है, और उस पीडीएफ को ओपन अगर करना है तो आपको ये एक्सटर्नल व्यूअर पे आपको क्लिक करना है। एक्सटर्नल व्यूअर पे अगर क्लिक करते हो तो देखिए पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ ओपन हो गया है जहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट बिल्ड होके आ गया है। ठीक है, तो पीडीएफ कॉपी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जूम मैग्नीफाई करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जूम वर्शन देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, पैनिंग करना है तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे अगर करना है इसको तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम पैन करना। ठीक है, या स्क्रोल करना, स्क्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कितने पेजेस है आपके डॉक्यूमेंट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, एक्चुअल साइज में करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फिट टू विड्थ आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दैट इज फिट टू द टेक्स्ट विड्थ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस आप यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिट टू विंडो अगर करेंगे तो इस विंडो आउटपुट विंडो में ये डॉक्यूमेंट हमारे पास फिट हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है,
तो ऑटो हाइड टूल बार, टूल बार आपका ऑटो हाइड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ऑटो हाइड हो चुका है। फिर से यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ तो आप ऑन कर सकते हैं। एक्सपांडेड व्यू अगर आपको देखना है या इनलार्ज व्यू अगर देखना है तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो विंडो है पूरा हमारा एक्सपांड हो जाएगा, आप देखेंगे अभी। इसको बंद कर देता हूँ अभी। यहाँ पे इनलार्ज व्यूअर में अगर आप देखते हो तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे विंडो में, आउटपुट विंडो जो है वो पूरा आपके स्क्रीन में आ जाएगा। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप देखना हो तो एक्चुअल साइज में देखना है और उसको आपको इनलार्ज करना है। आप देख सकते हैं कि आप बड़े साइज में आप ये आउटपुट देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अलग ऑप्शन है हमारे पास, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। तो दैट इज विंडोड व्यूअर है यहाँ पे, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और इसको क्या करना है आपका, ये विंडो अगर आपको बंद करना है तो ये क्लोज पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस विंडो के अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स आपको दिया हुआ है, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट के लिए है, उसके बाद में ओपन के लिए है, ये सेव करने के लिए है, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए है, अंडू रीडू ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट ऑप्शन है, कॉपी कट और पेस्ट ऑप्शन है, बिल्ड एंड व्यू है, उसके बाद में कंपाइल ऑप्शन है, कंपाइलेशन स्टॉप करना है तो ये वाला बटन है, ठीक है। यहाँ पे व्यू करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स कमांड यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट कमांड्स दिए हुए हैं। आपको कौन सा चैप्टर इंसर्ट करना है, सेक्शन लिखना है, ये सारा यहाँ पे कुछ कमांड्स ऑटोमेटिकली शॉर्टकट यूज़ करने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से टेबल रिलेटेड जो ऑपरेशन है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंसर्ट करना है रो, आप देख सकते हैं इंसर्ट रो के लिए आप इसके ऊपर अगर लेके जाते हो तो ऐड रो है, ऐड कॉलम्स है, यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट कॉलम, लाइक दिस, ये ऑप्शंस है। तो जब हम यूज़ करेंगे, टेबल इंसर्ट करेंगे उसके बाद में ये ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताने ही वाला हूँ। तो ये है हमारे पास इंटरफेस टेक्स्ट स्टूडियो का, ठीक है। सिंपली आपको नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको इतना ही करना है कि आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड कमांड्स और टेक्स्ट आपको टाइप करना है और फिलहाल आपको कंपाइल करके बिल्ड एंड व्यू करके देखना है। और जो भी आपके टेक्स्ट रिलेटेड जो पीडीएफ बनेगा वो आपके राइट हैंड साइड के विंडो में मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेशन आपको करना है। हम धीरे धीरे वन बाय वन हम देखेंगे कि इस टेक्स्ट स्टूडियो में किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।